दो यहाँ के विधायक और उनके करीब साथ में 400 आदमी जो भी है विधायक, और वो मुकाबला कोरोना से चल गए, वो पीछे नहीं हटना जब तक हमारी बात नहीं होगी। नौजवानों से ये अपील है कि वे आंदोलन को सीख के। कैद साहब, जो रूमर्स और जो अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि इंटरनेट तो चल नहीं रहा और गाजीपुर में पुलिस ने हमला कर दिया है, और साथ में ही कि यहाँ पे कुछ बीजेपी के गूंज गुंडे यहाँ पे लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, उसके ऊपर प्लीज आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात थी। करीब 2000 से ज्यादा यहाँ पे फोर्स यहाँ पे थी, और जब यहाँ पे पुलिस के लोग ऊपर आए यहाँ पे कि ये आप वो हैं, इसको खाली करो 15 मिनट में, और उसी टाइम पे बीजेपी के लोग नीचे, दो यहाँ के विधायक और उनके करीब साथ में 400 आदमी, वे हमारे लोगों को गाली गलौज करने का और लाठियाँ भाजनी शुरू कर दी उन्होंने। मतलब ये एक अत्याचार ही है भाई, पुलिस हमको पीटे, वो खाली करवा ले पीठ, हमको गिरफ्तार करके ले जाए। हमने उनको ये कहा भाई आप गिरफ्तार कर रहे हो, आप गिरफ्तारी दे दो। हमने कहा कि दे देंगे गिरफ्तारी, लेकिन आप जिम्मेदारी ये लो कि जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे आप इनको सुरक्षित, आप इनको कुछ नहीं करोगे, सुरक्षित रहेंगे। कहले नहीं, ये खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, आप इनको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाओगे, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। और बीजेपी के लोगों ने 400 लोगों ने नीचे से शुरुआत कर दी। जब यहाँ पांड के बताया कि 400 लोग नीचे आ रहे, बहुत बड़ा हजूम है, और वे लाठियाँ चलाने शुरू कर दी। तो जब हमने पूरा वो बदला कि ना यहाँ से धरना छोड़ेंगे और ना होंगे, अपने लोगों को फिर कहा कि जो भी है विधायक और वो मुकाबला करो, उनसे चल गए वहाँ पर चलो। फिर वे वहाँ से लोग वे भाग गए, और फिर पूर्ण रूप से ये स्थिति सारी उस तरह की बनी है। फिर कैद साहब, आपको पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी यहाँ के? हाँ, पुलिस पहुंची थी। और कैसे वापस गए वो, क्या लोगों का उनके ऊपर रिएक्शन था और क्या बात? नहीं नहीं, चलो गिरफ्तार हमें करने थे, हम गिरफ्तारी दे देते, गिरफ्तार कर रहे थे। हमारे साथ और लोग भी बहुत थे जो गिरफ्तारी देने वाले थे, उनका ही था कि धरना स्थल खाली करना पड़ेगा, और या तो वैसे जाओ या वैसे जाओ, यहाँ से वैसे भगाएंगे तुम्हें, और या हमको गिरफ्तारी दे दो, स्थानीय खाली छोड़ कर दो। मगर भाई हमारे लोग की गारंटी क्या है कि ये सुरक्षित जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो 400 आदमी यहाँ थे, 500-600 आदमी पिछली साइड में थे जो ये कॉलोनी है उसमें से बुला के कि इनका सामान लूटना, मारना, पीटना, मतलब हजारों आदमी इसके चारों तरफ लगाए थे उन्होंने। कैद साहब, उसमें आप एक वीडियो बहुत सामने आई, बहुत मीडिया के कर्मी हमारे पूछ रहे थे कि कैद साहब भावुक हो गए थे काफ़ी, वो थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। नहीं नहीं, उसका ये था कि भाई हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारे लोग जिस तरह से यहाँ पे हैं, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये तो बहुत बुरा हाल करेंगे, पुलिस भी करेगी उनका, वो भी करेगा, जो हमारे बुजुर्ग वार हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, वे यहाँ से सुरक्षित कैसे जाएंगे, उस टाइम का वो था। कैद साहब, एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये सारा घटनाक्रम देखते हुए भारत के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब किसानों का ये संदेश है कि अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा, अपनी जाति, धर्म, पार्टी, जो लोग भी खेती किसानी और गाँव के लोग काम करते हैं उनको सबको निकलना पड़ेगा अब। और ये जो इशू हैं हमारे 3 बिल और जो इशू हैं MSP का सवाल है, इनको भारत सरकार से हमको लेने पड़ेंगे, हमको अपने धरने और मजबूत करने पड़ेंगे, और यहाँ पे पक्के मकान बनाने पड़ेंगे, हमको पक्के वाशरूम बनाने पड़ेंगे। हम कल यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे कल एक पानी का जो समरसेबल है उसको यहाँ पर लगाएंगे, अपने जनरेटर बिजली से उसको चलाएंगे। पूर्ण रूप से अब हमको पीछे नहीं हटना जब तक हमारी बात नहीं होगी, अपने जो मोर्चे बंदी है उसको पक्की करनी पड़ेगी। तो कैद साहब, आंदोलन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, सरकार अगर हमारे साथ बात करेगी हम तो बात करेंगे सरकार से।
टिकैत साहब जो 26 की सरकार की जो साजिश थी उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो एक बड़ी साजिश थी और जिसके ने वो साजिश रची उसका सबको पता है। दीप संधू कौन है उसका सबको पता है। और जो एक सिख कौम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी उससे तो बर्बाद हो गया था सिख समाज पूरा पंजाब। तो वो परले वाले की हुए कि वो आज वाले घटनाक्रम से वो पूर्ण रूप से धुलेगी और हम समाज के सामने ये बताएंगे कि ये पूर्ण रूप से बेकसूर लोग हैं और कसूर करने वाले को खिलाफ सजा हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उसके आगे टिकैत साहब किसानों को आप क्या आह्वान करना चाहोगे आगे? किसान आह्वान है जो यहाँ पर आ सकता है या किसी धरने में आ सकता है वहाँ पर आवे, अपना सामान वामान लेकर आवे, सब ट्रैक्टर उसके ऊपर टेंट वेंट सब लगा के, और जो वहाँ नहीं आ सकता तो अपने जिलों में वे लोग बैठे हैं, हमको जिलों से भी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। टिकैत साहब एक जो पुलिस ने FIR दर्ज करी है हमारे किसान नेताओं के ऊपर और उस पे ये भी है कि सबसे ज़्यादा ये सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने गलत FIR दर्ज करी हैं कि किसान नेताओं का इसमें कोई हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने मोर्चे को फेल करने की साजिश के तहत ये होता है जब भी किसी आंदोलन को फेल करना हो नेताओं के खिलाफ मुकदमे करो, उनको मुकदमे में उलझा दो और जो मेन इशू है उससे उसको हटा दे। लास्ट में टिकैत साहब आप कुछ निवेदन करना चाहते हैं किसी को? मेरा नौजवानों से ये अपील है कि वे आंदोलन को सीख के और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन